पार्टी की करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का, क्योंकि तीन चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, दो विधानसभा के, एक लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम नौ की नौ विधानसभा की सीटें जीतेंगे, ऐसा बाकी जिलों में देखिए। जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान, योग्य स्थान जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्तता का, कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरातफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता? मुझे पूरा पता है, पूरी अफरातफरी मची है, निराशा। सर, आप कोशिश कर रहे थे सर, हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल दो नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। लेकिन मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है, कभी कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। मामा भाई, बहुत कहानियां गढ़ी जा रही है इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई है इस बार, उसको कैसे देखिए? अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा, तो आपको पता लगेगा।